हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से आपको दिखा रहे हैं। इसमें ना तो हम गाजर को कद्दूकस करेंगे ना मिक्सी में पीसेंगे, तो बिल्कुल नया तरीका है, बहुत झटपट से बन जाएगा, बिल्कुल मेहनत नहीं है। क्योंकि कद्दूकस करने में आपको पता है, अगर आप हाथ से ग्रेट कर रहे हो तो आधा आधा घंटा लग जाता है गाजर को छील के कद्दूकस करने में। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये देखिए गाजर को छीला है, उसके ऊपर नीचे का पार्ट हटा के इस तरह से इसको छोटे छोटे पीस में, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बस हाफ करके 1/4 कर दें, इस तरह से पीसेज में इसको मैंने काट लिया है। अगर आपकी गाजर में ज़्यादा वाइट पार्ट है तो ये देखिए जैसे मैंने निकाल दिया है, तो आप भी निकाल दें। और जो गाजर देखिए ये इस तरह से रेड थी, उन्हें मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला है। तो इस तरह से ये मैंने गाजर को तैयार करके धो के और काट के रख लिया है। और ये लगभग 1 किलो गाजर है जो मैंने काट के रखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने यहाँ कुकर रखा हुआ है गैस पर, और इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच ये घी डाल रही हूँ, ये देसी घी है। और उसमें हम अपनी ये गाजर डालेंगे। और इस तरह से इसे थोड़ी देर, बस 2 से 3 मिनट इस घी में अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जैसे बहुत चचराहट की जो आवाज़ आ रही थी वो आनी बहुत कम हो गई है। वो होता क्या है, जब हम घी में इसे भूनते हैं तो एक तो इसका थोड़ा सा पानी सूख जाता है, दूसरा आप देखिए गाजर का जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा भून लेने से, सिर्फ 2-3 मिनट भून लेने से जो हलवे का टेस्ट है आप देखिएगा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम इसमें ये देखिए ये हमने भून लिया है 2-3 मिनट, और इसके बाद मैं इसमें दूध डालने वाली हूँ। ये इसमें मैं जैसे 1 किलो गाजर है तो लगभग 1/4 किलो दूध जाएगा। और ये देखिए इसी ये फुल क्रीम दूध है, ये देखिए आप इसमें मलाई भी है, पर इस टाइम पे मैं इसमें मलाई नहीं डालूँगी, सिर्फ दूध डाल रही हूँ। तो ये लगभग 1.5 किलो के आसपास हमने इसमें ये उबला हुआ दूध डाल दिया है। यहाँ पे मेरा कुकर थोड़ा बड़ा है, गहरा है। अगर आपको लगता है कि आपका कुकर छोटा है तो आप इस टाइम पर आधा ही दूध डालें, क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो हम इसे इस तरह से कुकर में डाल के बंद कर देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि दूध, अगर आप कुकर आपका छोटा है तो आप 2 बार में कर लें, 1 बार में पूरा ना करें, या आप बड़े कुकर में करें। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी, पूरी 4 सीटी देंगे इसे हम मीडियम फ्लेम पर, और पूरी 4 विसल आने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे अपने आप से पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। 4 सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और इसे अपने आप ही मैंने इसको कुकर को ठंडा होने दिया है। तो अब ये थोड़ा सा गुनगुना सा रह गया है। ये देखिए मेरे पास एक मैशर है जो हम पाव भाजी या आलू मैश करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे लेके हम इस तरह से इसे मैश करेंगे। आप देखिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये जो गाजर है ये बिल्कुल इसमें घुट जाएगी। मैं अभी आपको ये देखिए शुरू हो गया, दूध के साथ बॉईल करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो जैसे आप कद्दूकस करते समय गाजर का रेशा बनाते हैं, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको इस तरह से इसको मथना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल जैसे हम जब कद्दूकस करते हैं जो टेक्सचर होता है सेम टेक्सचर आ चुका है। तो बिना मेहनत, आपको ज़्यादा मेहनत किए, ये इस तरह से बहुत आसानी से आप कभी भी हलवा बना सकते हो। 5 मिनट प्रेशर कुक में लगे और 10 मिनट कुल हमें इसे सुखाने में लगेंगे। इसे मैंने फुल आंच कर दी है, गैस जला दी है और तेज़ आंच पे रख दिया है, क्योंकि अब हमें ये दूध इसका थोड़ा सा सुखाना है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। तो मैं इसी मैशर को इसमें रखूँगी और बीच बीच में इसी तरह से इसको घोटते रहेंगे और चलाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा कुकर स्टील का है तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल, इसको हर बीच बीच में इस तरह से चलाती रहूंगी। और आप चाहें तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि जब हलवा उबलता है तो आप कढ़ाई में देखते होंगे पूरी गैस गंदी हो जाती है, पर इस तरह से आप गहरे कुकर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये छिटकेगा नहीं। तो पूरा हलवा हम इसी कुकर में तैयार कर लेंगे। तो इसे मैं 10 मिनट तक बॉईल करूंगी और बीच बीच में आपको दिखाती रहूंगी। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और आप देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये,
और इसे मैंने हर 2 मिनट पे इसी तरह से इसको चलाती रही हूँ, और जिससे ये अच्छे से मैश हो गया है। तो अब मैंने मैशर रख दिया है और चमचा ले लिया है, और इसी तरह से ये देखिए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे तो हम कुकर में बना रहे हैं, कुकर का बॉटम काफ़ी हैवी होता है, पर फिर भी प्रिकॉशन के लिए आपको हर 2 मिनट पर इसे चलाना चाहिए। और इसी तरह से 5 मिनट और करेंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो कोई कह नहीं सकता, आप देखिए हमने फुल इसमें पूरी गाजर डाली थी और बिल्कुल घुट चुका है अच्छे से, एकदम दूर में मिल चुका है। तो बस 5 मिनट और पकाएंगे और फिर हम आगे का काम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, फुल आंच पे पूरा हलवा हमने पकाया है और फुल हमें 10 मिनट लगे हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए, काफ़ी हद तक इसका जो दूध था वो पूरा सूख चुका है, गाजर में बिल्कुल मिल चुका है। तो अब हम इसमें अपना चीनी ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए इस स्टेज पे अब मैं चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। आप चाहें, अगर मेरे यहाँ थोड़ा कम मीठा खाया जाता है, आप चाहें अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ये चीनी डाल रही हूँ। और साथ में आपको ध्यान होगा, जो मैंने दूध लिया था वो फुल क्रीम दूध लिया था, तो उसकी जो मलाई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें हमें अलग से किसी भी मावे की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसमें मावा डालना पड़ेगा, ना ही मिल्क पाउडर। और अब हम चीनी और मलाई को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस से 5 मिनट और पकाएंगे। अब विद इन 5 मिनट ये हलवा हमारा तैयार होने वाला है। अगेन हम इसे फिर से फुल आंच पे ही पकाएंगे। बस ध्यान हमें रखना है कि हम इसे चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखेंगे टोटल 20 से 25 मिनट में आपका हलवा तैयार होने वाला है। देखिए दोस्तों, जितनी भी चीनी की जो पानी निकला था चाशनी बनने पर, पूरा सूख चुका है और मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट भूना है। और आप कलर देखिए कितना बढ़िया और बिल्कुल सुंदर सा कलर आया है, बिना कुछ ऐड किए। ना हमने इसे कद्दूकस किया, ना हमने मिक्सी में पीसा, ना ही हमने इसमें कोई खोए का यूज़ किया है, और बहुत ही बढ़िया दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है। अब लास्ट स्टेज पे हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो ये टोटली आप स्किप कर सकते हो, जो हमने 2 चम्मच घी यूज़ किया, 1 चम्मच पहले गाजर भूनने में और 1 चम्मच ये, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये 2 चम्मच घी इसमें ज़रूर ऐड करें, और पहला वाला तो ज़रूर ऐड करें जो हमने गाजर भूनी थी, उससे इसका कलर और एक जो सौंधापन होता है वो आता है गाजर भूनने से। और आप ये देखिए घी डालने से क्या ग्लेस आया है इसमें, कितना बढ़िया लग रहा है। ये अभी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं, आप चाहें तो इसमें इसी स्टेज पे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ऊपर से डेकोरेशन में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो मैं ऊपर से लगा देती हूँ। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया हमारा इतना फर्स्ट क्लास हलवा तैयार हुआ है, और वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, और जैसा कि आप इसका कलर देख रहे हैं, शाइनिंग देखिए इसकी, कितना अच्छा ग्लेज आया है। तो आप भी बिना कद्दूकस का यूज़ किए, बिना मिक्सी का यूज़ किए, और ना ही इसमें मावा डालने की ज़रूरत है और ना ही मिल्क पाउडर, आसानी से जब भी आपका मन करे कभी भी आप हलवा बनाइए। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि घंटों आपको किचन में बिताने भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी पहली बार मेरे चैनल विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।